मैं अक्षय सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द बेस्ट नर्ड्स ऑफ थिंग्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के उस महान पुरुष की जिसकी गाथा आप इतिहासों में पढ़ते हैं। उस महान पुरुष का क्या नाम था, आखिर उसके पॉजिटिव फैक्ट क्या थे, आखिर क्यों उसे बहुत ही महानता के साथ हर एक दिन अपने दिल और दिमाग में बसा के रखे हुए हैं। उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे। उनका अच्छा पालन पोषण हुआ, एक अमीर खानदान के थे। उनके माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ। जानकीनाथ पेशे से एक वकील थे। कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को भी वकालत की पढ़ाई कराना चाहते थे। उनकी 14 संतानें थी, 14 संतानों में से वो 9वें नंबर पे थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अधिक प्रभावित थे विवेकानंद से। कहा जाता है कि जिस टाइम वो 18 साल के थे उसी समय उनकी पढ़ाई अच्छे लेवल पे चल रही थी और 19 साल की उम्र में उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अचानक से उनके मन में एक ख्याल आया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वापस आने के बाद वो 21 साल और 6 महीने की उम्र में IAS के एग्ज़ाम पास करने वाले सबसे युवा भारतीय बने और उन्होंने IAS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी उनके मन में एक कहीं ना कहीं भारत के प्रति ज़्यादा लगन थी, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत से अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। कहा जाता है एक व्यक्ति था हेलिस नाम के, उस व्यक्ति ने उनको ऑर्डर दिया कि आप सिविल सर्विस के एग्जाम को पास कर चुके हैं और आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत उसको इग्नोर किया और उन्होंने जिस कलम से सिग्नेचर करना था उस कलम को तोड़ दिया और कलम को तोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत उस नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता को छीन ले, हमें ऐसी स्याही चाहिए जो भारत से निर्मित हो, भारत की मिट्टी में बनी हो। उस स्याही से मैं सिग्नेचर करूंगा और ऐसे सिग्नेचर करूंगा जिससे भारत का इतिहास बदल जाए। आखिर उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करते करते उनकी मेहनत इस कदर आ चुकी थी कि 1938 में जब 39 का टाइम आया, सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाले थे और सेकेंड वर्ल्ड वार होने के एक साल पहले उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और कुछ टाइम के लिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन टाइम बीतता चला गया, उसके बाद वो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है और 1944 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार चलता रहा। उसी टाइम ये निकल गए जापान और जापान से इन्होंने मदद मांगी और अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो कहा जाता है कि तो जय हिंद हम लोग बोलते हैं, जय हिंद के वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी उनका बहुत ही सटीक था, जागरूक किया उन्होंने, भारत के युवाओं को जागरूक किया। उनकी जो धुन थी, उनकी जो समाज को बदलने की एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा संसार में फैल चुकी थी। कहा जाता है उनकी शिक्षा हिटलर भी लेता था और हिटलर सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही अधिक प्रभावित था। तो आज हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक महान पुरुष की डेथ एनिवर्सरी नहीं होती है, क्योंकि वो महान पुरुष कभी मरा ही नहीं था और ना कभी मरेगा। वो हमेशा मेरे दिलों में जीवित है और हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। चाहे सदियां बीत जाएं, कई भी वर्ष बीत जाएं, चाहे इतिहास उथल से पुथल हो जाए, लेकिन इतिहास में जो पन्ना एक बार लिखा जा चुका है उस पन्ने को हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत सारे फैक्ट थे, हम उनको सल्यूट करते हैं। उनकी मातृभूमि के प्रति जो उनका प्रेम था, उस प्रेम को भी हम बहुत ही ज़्यादा सल्यूट करते हैं। कहा जाता है कि 1945 में ताइवान में एक जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु को घोषित किया गया, लेकिन ऐसे प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि 1984 में वो फैजाबाद के समीप गुमनामी वाले बाबा के नाम से भी मशहूर रहे। कुछ टाइम वो भारत में रहे, कुछ टाइम ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी में उन्होंने काम किया। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले लेकिन उनके लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए। और कहा जाता है कि 2008 के आसपास उनकी मृत्यु हुई है। तो हम सुभाष चंद्र बोस जी के इस दबे हुए कारनामों को, दबे इतिहास को आज उजागर कर रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लिखित रूप में कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की आज जो डेथ एनिवर्सरी है उसको हम डेथ एनिवर्सरी में नहीं तब्दील करेंगे। एक महान क्रांतिकारी थे, उनको सल्यूट करते हैं कि उनके द्वारा जो सिखाए गए कार्य थे, सिखाए गए मार्ग थे, उस मार्ग पे हम लोग चलें और भारत देश को एक बार फिर से नई बुलंदियां दें, क्योंकि उन्होंने कहा था जो राष्ट्र का युवा है वो समाज की सबसे बड़ी ताकत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर आप देशभक्त हैं तो अपने अपने स्टेटस में इस वीडियो को जरूर लगाएं, लोगों तक शेयर करें और सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट करें। आने वाले 100 साल नहीं, कितने भी साल बीत जाएं, उनके इस इतिहास को हमेशा अमर रखेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।